नमस्कार पेरेंट्स, पेरेंट्स आस्क को एजुकेटर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज की एक्टिविटी का नाम है फिंगर पेंटिंग। यह एक्टिविटी आपके बच्चे की आर्ट एंड क्राफ्ट स्किल्स को सुधारने में मदद करेगी। इस एक्टिविटी में बच्चे अपने फिंगर्स से पेंट करेंगे, जैसे कि ये पाइनएप्पल हो गया, ये ट्री है जिसमें ये हैंड से बना हुआ है और इसके बाहर बहुत सारे फिंगर्स से लीव्स वगैरह बने हैं, और ये भिंडी से फूल बनाया जा रहा है। इस एक्टिविटी के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होगी, जैसे कि वाटर, टर्मरिक पाउडर, बीटरूट जूस, पेंट ब्रश, ग्लू, कलर्स, कुमकुम पाउडर और नील। कुमकुम पाउडर, हल्दी, बीटरूट जूस और नील को थोड़ा पानी में मिला के हम कलर्स बना सकते हैं। इसमें पेड़ की टहनियाँ हम पेंट ब्रश या फिर ऑयल पेस्टल से कलर कर सकते हैं, और जितने लीव्स दिख रहे हैं इसको ऐसे फिंगर पेंटिंग से करना है जैसे इस बच्ची ने करा है। बच्चे इस तरह का भी पेंट बना सकते हैं जिसमें ट्री के साथ अलग अलग सीजन के हिसाब से अलग अलग कलर किए गए, जैसे स्प्रिंग में कुछ इस प्रकार, समर में ऐसे, विंटर, ऑटम। और बच्चे वेजिटेबल पेंटिंग भी कर सकते हैं, जैसे इसमें भिंडी को कट करके उसमें पेंट में डुबा के ऐसे एक फूल बनाया गया है, और बाकी लीव्स नॉर्मल पेंट ब्रश या स्केच पेन से कर सकते हैं। और आप चाहे तो एक एक्टिविटी कर सकते हैं या फिर तीनों एक्टिविटी कर सकते हैं, और हम चाहेंगे कि आप हमें वीडियोस भेजें या फोटोज भेजें। एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें कि उन्हें ये एक्टिविटी कैसी लगी, क्या वो उन्हें कलर करने में बोर लग रहा था या फिर उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसे वो सही सही बताएं कि उन्हें कैसा लग रहा था, इससे आप समझ पाएंगे उनका इंटरेस्ट किस तरफ है, क्या उन्हें ड्राइंग करना ये सब पसंद है। आज की एक्टिविटी के लिए इतना ही। हम चाहेंगे कि आप हमें पिक्चर्स भेजें जो आपके बच्चे ने बनाए हैं, और कोई भी डाउट हो तो जिस नंबर से आपके पास एक्टिविटीज़ आते हैं आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। और अगर कोई इशू आ रहा है जैसे कि आप टाइम नहीं ले पा रहे, तब भी आप मतलब बता सकते हैं कि हाँ हमने देखा है, हम जब टाइम मिलेगा हम कर लेंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल GYWS को सब्सक्राइब करें, और ये और लोगों को शेयर करें ताकि और लोग इसका बेनिफिट ले सकें।